जहां सीएनजी कारों के साथ सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि उनमें बूट स्पेस खत्म हो जाता है, वहीं टाटा पंच सीएनजी में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया है। आइए जानते हैं इस गाड़ी में हमें ऐसा क्या क्या खास मिलता है। भारतीय बाजार में सीएनजी कार मार्केट में मारुति सुजुकी नंबर वन कंपनी बनी हुई है, लेकिन ऑटो एक्सपो 2023 में टाटा मोटर्स ने एक ऐसा दाव खेला है कि हर कोई देखता ही रह गया है। टाटा मोटर्स ने अपनी माइक्रो एसयूवी पंच का सीएनजी वर्जन पेश किया है, जहां सीएनजी कारों के साथ सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि उनका बूट स्पेस खत्म हो जाता है, वहीं टाटा पंच सीएनजी में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया गया है। जहां सीएनजी कारों में आमतौर पर बूट स्पेस में बड़े सीएनजी टैंक को रख दिया जाता है, वहीं टाटा मोटर्स ने इस समस्या को खत्म करने के लिए कमाल की तरकीब निकाली है। कंपनी ने एक बड़े टैंक को दो छोटे टैंक में बदला और इन्हें इस तरह फिट किया गया है कि गाड़ी का बूट स्पेस बरकरार रहे। इसमें 30-30 लीटर वाले दो सीएनजी टैंक दिए गए हैं, साथ में ही स्पेयर टायर को गाड़ी के नीचे फिट किया गया है। टाटा पंच सीएनजी में 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ आती है। सीएनजी मोड में यह इंजन 77 बीएचपी और 97 एमएम का टॉर्क जनरेट करता है। यह पेट्रोल मोड के मुकाबले 13 बीएचपी कम पावर है। इसमें 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया जाएगा। पेट्रोल टैंक कैपेसिटी 37 लीटर की है, जबकि सीएनजी टैंक 7 लीटर का होगा। माना जा रहा है कि यह गाड़ी सीएनजी के साथ 25 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का माइलेज ऑफर कर सकती है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें यह गाड़ी कब लॉन्च होगी, तो टाटा पंच कंपनी की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है। इसका सीएनजी वर्जन पहली बार ऑटो एक्सपो 2023 में दिखाया गया है, जिससे पता लगता है कि कंपनी इसे आने वाले कुछ महीनों के अंदर लॉन्च कर सकती है। टाटा पंच का सीएनजी वर्जन पेट्रोल वर्जन के मुकाबले 90,000 रुपए तक महंगा हो सकता है। दोस्तों, इसके अलावा हमें जो है इस गाड़ी में सनरूफ भी मिलने वाला है। काफी बड़ा बूट स्पेस हमें इसमें मिलने वाला है। अधिकतर सीएनजी गाड़ियों की यही दिक्कत रहती है कि उनमें बूट स्पेस जो है काफी कम मिलने वाला होता है, और इस गाड़ी में आपको 5 स्टार की बेहतरीन रेटिंग मिलती है। अगर आपको दोस्तों जो अधिकतर लोगों की शिकायत रहती थी कि सीएनजी की गाड़ियों में जो है उन्हें काफी कम सुविधाएं मिलती है, तो इस गाड़ी में आपको हर तरह की सुविधा मिलने वाली है। 5 स्टार की बेहतरीन सेफ्टी रेटिंग के साथ ये गाड़ी आती है। तो दोस्तों, आपको ये गाड़ी कैसी लगी है और क्या आप इस गाड़ी को खरीदने का मन बना रहे हैं, तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिएगा। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।